हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये पाम का पौधा है, जहाँ मैंने छोड़ा था पिछली बार का वीडियो, वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए, इसमें नए नए पत्ते आने लगे हैं। और काफ़ी दिन तक मैं परेशान थी, क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुका था। और इसे मैंने गमले में लगा रखा था, उसके बाद मैंने इसे बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके मैं डालती रहती हूँ। और ये देखिए, ये केले के छिलके हैं। और केले के छिलके को आप सुखा के और उसे काफ़ी अच्छे तरीके सूख जाए उसके पीस के भी डाल सकती हैं, और मैं कभी कभी ऐसे भी डाल देती हूँ, तो इसे भी पोषण मिलता है। ऊपर स्प्रे बॉटल से मैं रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम पत्तियों पे भी पानी का छिड़काव करती हूँ, तो जिससे उसको पोषण मिलता है। तो वैसे पहले ये गमले में मैंने लगा रखा था, तो उसमें वो ग्रोथ नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसे बाल्टी में लगा दिया और इसे मैंने फ़िल्टर में लगाया, ये वाला पाम। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा ग्रो कर गया है, पैर रखा है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो बस ये मशीन है, इस पर सिलाई करती हूँ। सिलाई कम है, सिलाई का सामान के अलावा बाकी सारी सब कुछ है इस पर। देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बॉटल वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। तो बस यही थोड़ा सा एरिया है। और ये मैंने कहा था कि ये दिखाऊंगी मैं, तो ये मैंने बनाया है इस लॉकडाउन में। तो ऐसे अचानक से, बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं बनाया है, पर अचानक से ऐसे उठी तो ये मैंने पेंट कर दिया। और पेंट मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो ये स्विच बोर्ड के पास मैंने बनाया है। और ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये स्पार्कल जैसा पेपर है, तो ये कटिंग कर करके चिपकाया है मैंने इस पर। ग्लिटर पेपर है इसको कहते हैं। ये फ्लावर बना दिया है, वाइट कलर का ग्लिटर पेपर है, ये फ्लावर बनाया है। और ये मेरी बेटी ने ऐसे बना के इसमें ये लगा दिया है। तो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये। और यही थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और तो बस यहाँ मैं घी चढ़ा दी हूँ, मलाई से घी निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया है, उसे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। और यहाँ दो बड़े स्पून के बराबर मैंने बेसन ले लिया है, बेसन की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये दूध खाली कर दिया दूसरे बर्तन में, और अब मैं इसी में आटा गूँथूँगी, क्योंकि मलाई लगी हुई है, जिससे रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। तो बस मैं इसमें आटा गूँथ लूँगी, और ये पेपर मैं बिछा लेती हूँ स्लैब पर, ताकि वो गंदा ना हो। और ये इस पर रोटियां भी बनाती हूँ, मतलब इस पर चौकी रख के, और कोई कपड़ा मैं नहीं रखती। और दो तीन दिन के बाद से पेपर में फेंक देती हूँ, जब अच्छे से वो भीग जाता है और बेकार हो जाता है तब। तो बस मैं देखिए इसमें आटा गूँथ ले रही हूँ, और आटा गूँथने के बाद से मैं ये धीरे धीरे इसे चलाती रह रही हूँ। ये जैसे मलाई नीचे से पकड़े ना, लेकिन वो कुछ भी करिए वो नीचे से पकड़ लेता है। तो इसको देखिए कि ये गाय के दूध का घी है, ये जैसे गाय के दूध की मलाई की घी है। तो आज मैंने सोचा नहीं था कि इतना काम हो जाएगा, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद मैं ये सब कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपको ये रेसिपी डालिए पिछली वाले वीडियो देख के, और रेगुलर डालिए, तो बस मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ बेसन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बस ये घोल मैंने बना लिया है। और घोल को एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैं इसको चीला बना रही हूँ, तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। और दूसरी बात है कि घोल में मैंने काली मिर्च और जीरे का पाउडर, नमक, हल्दी, बस यही सारी चीज़ें डाली थी मैंने। और उसके बाद से थोड़ी देर छोड़ दिया था उसे फेंट के, और फिर उसके बाद से चीला बना रही हूँ, और साथ साथ मैं इसे भी देखती रह रही हूँ। और अब देखिए चीला बिल्कुल अच्छी तरीके से वो हो गया है, तो चेक कर लूँगी मैं। और ये हो गया है, तो आराम आराम से मैं इसे निकाल लूँगी। और गैस की हालत देख ही रहे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय बच्चे भी दिन भर कुछ ना कुछ बनाते खाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से गैस गंदा हो गया। तो अब मैंने सोचा कि अभी क्या साफ़ करूँ, और जब खाना एक बार बन जाएगा तो लास्ट में साफ़ करूँगी, क्योंकि उसके बाद भी गिरता पड़ता रहता है। तो बस वो चीला मेरा सारा हो चुका है, और मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने वो सरसों डाला है, सरसों के दाने। और ये फिर पेस्ट मैंने बना लिया था, दो मीडियम साइज़ के टमाटर थे, और छोटा प्याज था, लहसुन और सरसों, और मिर्चा मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी मैं मिर्चा डालना। तो बस मैं बाद में मिर्चा डाल दूँगी, ऊपर से हरा मिर्चा डालूँगी, लाल मिर्चा नहीं डालूँगी। लाल मिर्चा थोड़ा सा हम लोग एवॉइड करते हैं,
क्योंकि काफ़ी नुकसान करता है वो शरीर को। तो बस मैं इसे चला रही हूँ और देखिए इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कैच का गरम मसाला, हल्दी और काली मिर्च, जीरे का पाउडर और नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल दूँगी और मैं इसे चलाती रहूँगी और ढक के छोड़ दूँगी। और घी देखिए ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाला है, तो बस मैं इसे डाल के छोड़ दूँगी और चलाती रहूँगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, और कुछ गलत हो तो बताएँ। वॉश बेसिन आपको दिख रहा होगा तो, और मैं खुद भी दिख रही होंगी बहुत गंदी। अभी जस्ट मैं किचन से आ रही हूँ और किचन में मैंने घी रखा हुआ था, मलाई से घी निकालना, तो उसे भी ऑफ कर दिया है। और ठंडे मसाले की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो जस्ट मतलब मसाला वो भून रहा है और मैं बाहर आ गई हूँ, अभी लाइट नहीं है और काफ़ी गर्मी हो रही है। मतलब गर्मी तो लग रहा है कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, और बिल्कुल एकदम मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही आती हूँ, और शायद कुछ लोग को प्रॉब्लम भी होगी कि पता नहीं कैसे होगी, कैसे आ जाती हूँ। समझ बोलो, पड़ सकता है कि आप जैसे हो वैसे ही तो दिखाओगे लोगों को, तो बस मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। पर पता नहीं लोग होता है कि ब्लॉग में लोग कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही दिखाइए आप, तो बस वही एक मेरा वो रहता है दिखाने का। तो ज़्यादा मेकअप वेकअप मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सिंपल ही रहती हूँ मैं। और अभी तो लॉकडाउन का समय है, तो बस थ्रेडिंग नहीं तो वैसे ही है, बिल्कुल देख रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता है, तो मेरे थ्रेडिंग ऐसी ही है पता नहीं चलता है। और अभी मैंने जो वीडियो डाला है दिन में, तो उसमें मेरे सब्सक्राइबर ने कहा है कि आपका फेस तो दिख ही नहीं रहा, तो सही बात है, उस पर फेस मेरा दिख ही नहीं रहा है कि मैं क्रीम कहाँ क्रीम लगा रही हूँ, कहाँ लिपस्टिक लगा रही हूँ, कहाँ सिंदूर लगा रही हूँ, ये लगाती हुई दिख रहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि जहाँ मैं कैमरा रख रही हूँ तो वहाँ से दिख रहा होगा। तो बस मैं रख देती हूँ और हो गया, तो जब वीडियो बन जाती है तब मुझे दिखता है कि इसमें ये चीज़ छूट गया। तो ऐसे मैं काफ़ी परेशान हुई थी, बहुत टाइम तक मैं ऐसे ही बनाती रही, और इतनी मुझे इरिटेशन होती है कि एक तो होता देखिए कब क्या होता है। तो ये गर्मी तो बहुत बहुत बुरा भी इतना है, तो चलिए अब इसको बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में हैं, कम से कम पंखे की हवा खा ले रहे हैं, और हर टाइम हम लोग को रोटी मिल जा रहा है, दो रोटी मिल जा रहा है, सब्ज़ी मिल जा रहा है, हर कुछ मिल जा रहा है। फिलहाल हम लोग तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने खा सकते हैं, लेकिन जो मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति देख के तो इतना रोना आ रहा है। जब न्यूज़ देखते हैं हम लोग या मोबाइल पे ही आता है इस पर यूट्यूब पे, तो उनकी स्थिति देख के इतना छोटे छोटे बच्चे कैसे धूप में पैदल चल रहे हैं, तो 8-8 दिन 9-9 दिन चल के वो लोग तब अपने घर में पहुँच रहे हैं, तो उनसे तो हम लोग लाख गुना अच्छे हैं। तो इस चीज़ को कहेंगे नहीं, भगवान ना करे कि उन लोग के घर में भी इतनी, जो लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, कभी रेलवे लाइन पे थक के सो जाते हैं जिसके कारण उनको पता नहीं रहता है हम कहाँ सो रहे हैं, मतलब पैर उनके इस तरीके से छिल जा रहे हैं, और ट्रेन रात में आई, ट्रेन चली गई, उनके ऊपर से चढ़ के चली गई, तो ट्रेन उस समय नहीं चल रही थी, मालगाड़ी चल गई, तो कोई कोरोना से मर जा रहा है, तो कोई ऐसे ही मर जा रहा है, कोई भूख से मर जा रहा है। तो देख देख के ये सब चीज़ें देख देख के तो मुझे मेरे रोए एकदम खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। और ये मजदूर लोग के लिए बहुत रोना आता है, तरह तरीके से वो लोग इतने परेशान हैं, उनके बच्चे मर जा रहे हैं उसी में, उनको छोड़ के जिस स्थिति में चल रहे हैं रास्ते में, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि खाना उनको चलो बस सामान धो के चलते रहो, अगर कोई दे दिया खाना तो खा लिए, नहीं तो बस भगवान भरोसे चलते रहो। तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से दो रोटी के लिए वो लोग अपने गांव से या शहर से दो रोटी के लिए बाहर गए, और बाहर भी स्थिति ऐसी आ गई, साइंस ने पता नहीं क्या किया, बाहर भी स्थिति ऐसी आ गई कि वहाँ से भागने की नौबत आ गई। तो वहाँ से भागो, जैसे हैं वैसे भागो, अगर बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो
देख के बहुत ही दुख लगता है। और हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो गर्मी है, तो एसी नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग सोचते रहते हैं। तो बेकार की चीज़ें हैं ये सब। और उन लोग के लिए प्रे करिए जो लोग रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं, उनकी जान बच जाए। वो छोटे छोटे बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, वो लोग अपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा कि इतना भी किसी को वो करना पड़ सकता है, पैदल चलना पड़ सकता है। माँ बाप भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, 2 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे, 1.5 साल के बच्चे धूप से एकदम बिलख रहे हैं। और मतलब ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना मिले। और बस हम लोग तो यही सब कह सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया के थ्रू या घर में जो बैठे हैं तो लेकिन अब ये रहता है कि आप हाय तौबा मचा रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इनसे आगे निकल जाए, उनसे आगे निकल जाए। पर मौत ऐसी चीज़ है, बीमारी कोरोना की मतलब कोई चीज़ अचानक से ऐसा हो जाता है कि बस आपको एकदम घर बैठा दिया ये कोरोना। ये सब चीज़ें, अब मैं इस चीज़ के बारे में क्या बोलूँ, ये चीज़ तो महीनों से चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देख देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा वो होता है। अब थोड़ी सी चीज़ें देखते देखते अब टाइम ऐसा आ गया कि थोड़ी सी चीज़ें समझ लेंगे। पर बच्चे जो घर पे बैठे बैठे देखते हैं, जैसे हमारी बेटी है वो देखती है, तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता, वो खा नहीं पाती है, वो सो नहीं पाती है, कि हम लोग खुद भी नहीं सो पाते रात रात भर। मतलब रात लेट नाइट तक जगे रहते हैं, सुबह 1-2 घंटा सोएंगे फिर उठ जाएंगे, क्योंकि समाचार देख के तो लगता है कि मतलब कब ये चीज़ ख़त्म होगा, कब ये चीज़ ख़त्म होगा। तो बस यही सारी चीज़ें, जल्दी से ये चीज़ ख़त्म हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए। और मतलब हर एक चीज, हर कोई चाहता है अच्छे दिन आए, अच्छी लाइफ मिले। पर जो सोचो वो होता कहाँ है। तो चलिए, अभी मेरी सब्ज़ी जल रही है, तो बस यहाँ देखिए मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है और काफ़ी अच्छा रंगाया है, क्योंकि तेल छोड़ चुका है। और बस ये एक उबाल आने के बाद से इसमें मैं चीले के टुकड़े डाल दूँगी, और उसे चाकू की सहायता से मैंने पीस कर लिया था, और इसे ढक दूँगी। मेरा तैयार हो चुका है। और घी भी मैं दिखा दे रही हूँ, घी भी मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।